लैपटॉप के साथ हमें यहाँ पे ये टच पैड मिल रहा होता है और इसे गेस्चर भी कहा जाता है। तो इस गेस्चर और टच पैड के थ्रू हम यहाँ पे डिफरेंट के काम और टास्क कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप 2 फिंगर यूज कर सकते हो, 1 फिंगर यूज कर सकते हो, 3 फिंगर्स यूज कर सकते हो और इवन 4 फिंगर्स भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल फिंगर से आप अपना जो प्रोडक्टिविटी है लैपटॉप के ऊपर आराम से बढ़ा सकते हो। जिस काम के लिए आप यहाँ पे क्लिक्स का यूज करते हो वहीं पे सिर्फ टच पैड भी काफी होता है वो काम करने के लिए। तो समझते हैं ये सारे काम के आप कैसे स्विचिंग कर सकते हो मल्टीपल टास्क के दरमियान में, मल्टीपल डेस्कटॉप्स के दरमियान में जूमिंग कैसे कर सकते हो, स्क्रोलिंग कैसे कर सकते हो, पिंच इन पिंच आउट और ये चीजें सारे क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना टच पैड का लेक्चर। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए कुछ लोग बटन्स का यूज़ करते हैं, पर हम यहाँ पे इन बटन्स को बहुत ही कम यूज़ करेंगे, ज़्यादातर हम इस टच पैड का यूज़ कर रहे होंगे। जैसे कि सिलेक्शन के लिए मैं 1 टैप करूँगा, टैप सिंगल टैप के थ्रू हम यहाँ पे चीज़ें को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको मल्टीपल सिलेक्शन करनी होगी तो कुछ लोग इस तरह लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखते हैं और इस तरह सिलेक्शन करते हैं, पर हम इसे बचेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ टच पैड का यूज़ करेंगे ये काम करने के लिए। तो 1 टैप कर लो और दूसरा टैप आपने पकड़ के रखना है, तो कुछ यू जैसे तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे दूसरा जो टैप है वो पकड़ के रखो और आप इस तरह इसके थ्रू सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप डबल टैप किसी भी चीज़ पे और किसी भी आइकन पे करोगे तो ज़ाहिर बात है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे डबल टैप से चीज़ें ओपन भी कर सकते हो। तो 1 टैप से हम यहाँ पे स्क्रोलिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंटर लेके जाऊँगा स्क्रोल बार के ऊपर, यहाँ पे 1 टैप कर लो और दूसरा टैप पकड़ के रखना है, जैसे कि कुछ इस तरह से आप यहाँ पे 1 फिंगर के थ्रू भी स्क्रोलिंग कर सकते हो। तो 1 फिंगर के थ्रू जितना भी यूजेज था टच पैड के थ्रू वो आपको समझ आ चुका होगा। अब 2 फिंगर समझते हैं। तो 2 फिंगर के थ्रू आप कुछ इस तरह से पहले तो जूम कर सकते हो चीज़ों को, इस तरह जूम इन जूम आउट करना। इसके लिए लोग यहाँ पे कंट्रोल प्लस माउस व्हीलर यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 फिंगर पिंच इन और पिंच आउट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। बाकी आपको स्क्रोलिंग करनी है तो 2 फिंगर्स को आप इस तरह ऊपर की तरफ लेके जाओगे और 2 फिंगर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लेके जाओगे, तो आप इस तरह स्क्रोलिंग भी इसके थ्रू कर सकते हो। बाकी पिंच से आप कुछ इस तरह जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे एक और चीज बताता चलूँ, मैं डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे राइट क्लिक चाहिए। कुछ लोग राइट क्लिक के लिए ये बटन यूज करते हैं, इसके थ्रू राइट क्लिक वो लेके आ रहे होते हैं। आप यहाँ पे 2 फिंगर इस तरह टैप कर लो तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक मिल रहा होता है। तो किसी भी चीज के हवाले से आपको ऑप्शन चाहिए तो 2 फिंगर उसके ऊपर इस तरह टैप कर लो तो आपके सामने उसके ऑप्शन आ जाएंगे। तो 2 फिंगर में टैप कर रहा हूँ, 3 फिंगर्स नहीं, 2 फिंगर इस तरह टैप कर लो तो राइट क्लिक आप हासिल कर सकते हैं। तो ये कहानी थी यहाँ पे 2 फिंगर्स की। 2 फिंगर्स के थ्रू आप स्क्रोलिंग कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो और इवन राइट क्लिक का भी यहाँ पे काम 2 फिंगर्स के थ्रू ले सकते हो। 3 फिंगर्स के थ्रू हम सबसे पहले इस विंडो को मिनिमाइज करते हैं। तो 3 फिंगर्स इस तरह पीछे की तरफ खींच लो तो यहाँ पे विंडो मिनिमाइज हो जाएगा। बाकी इस तरह वापस आगे की तरफ खींचोगे तो वो विंडो जो लास्ट टाइम मिनिमाइज हुआ तो वो वापस मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ लोग बटन यूज करते हैं, पर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से अपने टच पैड को यूज कर सकते हैं अपना जो भी विंडो है उसे मिनिमाइज करने के लिए और मैक्सिमाइज करने के लिए। बाकी 3 फिंगर्स अगर आप इस साइड पे लेके जाते हो तो आपके सामने टास्क आ जाएंगे। तो जिस टास्क पे भी आपको स्विच होना है आप आराम से उस टास्क पे स्विच हो जाओ। 2 फिंगर्स के थ्रू आप इस तरह वो टास्क सेलेक्ट कर लो और वहाँ पे अगर आप पॉइंटर छोड़ोगे, जैसे मैं यहाँ पे इस टास्क पे पॉइंटर छोड़ दूंगा और कीज यहाँ पे छोड़ दूंगा, जो भी हमारा यहाँ पे टच पैड था वो मैंने छोड़ दिया, तो हम यहाँ पे इस विंडो के ऊपर आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे इस साइड पे लेके जाएंगे और या तो इस साइड पे लेके जाएंगे तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे अपना जो टास्क स्विचिंग है वो इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे 3 फिंगर्स के थ्रू। वापस नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये यहाँ पे मिनिमाइज कर लेगा। अगर आप 3 टैप मतलब 3 फिंगर से अगर टैप करते हो तो आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप स्टार्ट मेन्यू को भी ओपन कर सकते हो। 3 टैप कर लो तो आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू आ जाएगी। तो ये थी कहानी यहाँ पे 3 फिंगर्स की। 3 फिंगर्स अगर आगे की तरफ लेके जाओगे तो विंडोज आ जाएंगे आपके और टास्क आ जाएंगे, जिस पे टास्क पे आप यहाँ पे स्विच होना चाहते हो आप सिंपल उस टास्क पे स्विच हो सकते हो बहुत ही आराम से। नीचे की तरफ लेके आओगे तो वो टास्क यहाँ पे मिनिमाइज हो रहा होता है, वापस आगे की तरफ लेके जाओगे तो वो टास्क मैक्सिमाइज हो जाएगा। बाकी अगर लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे, राइट की तरफ लेके जाओगे तो आप स्विच हो सकते हो अपने जितने भी विंडोज होंगे, अपने जितने भी विंडोज यहाँ पे ओपन किए हैं उन विंडोज के बीच में आप आराम से स्विच हो सकते हो। तो ये थी कहानी यहाँ पे 3 फिंगर्स की। तो आप 3 फिंगर टैप कर सकते हो, 3 फिंगर्स के थ्रू आप यहाँ पे टास्क स्विच कर सकते हो और इवन आप यहाँ पे अपने सारे टास्क भी देख सकते हो। जिस भी टास्क पे आपको स्विच होना है आप आराम से यहाँ पे स्विच हो सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे 4 फिंगर्स की तरफ। तो 4 फिंगर्स 1 टाइम अगर 4 फिंगर्स आप इस तरह टैप करते हो तो आपके सामने नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन बार के लिए आप यहाँ पे नीचे क्लिक कर रहे होते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन बार आ रहा होता है। बाकी अगर आप यहाँ पे 4 फिंगर्स का कुछ इस तरह से टैप करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन बार कुछ इस तरह से आ रहा होता है। और अगर आपको यहाँ पे अपने सारे विंडोज देखने
देखने हैं कि कितने विंडोज ओपन है, तो आगे की तरफ इस तरह मूव कर लो अपने चार फिंगर्स को, तो आपको सारे विंडोज दिखाए जाएंगे। और नीचे यहाँ पे आपके डेस्कटॉप भी आपको दिखाया जा रहा है। इस वक्त मैंने दो डेस्कटॉप ओपन किए हैं। डेस्कटॉप में जैसे कि एक स्क्रीन होता है, फिर दूसरा स्क्रीन, इस स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक फ्रेश डेस्कटॉप मिल चुका है। बाकी वापस आप इस तरह फिंगर्स आगे की तरफ लेके जाओ, आपको वापस आपके डेस्कटॉप दिखाया जाएगा। तो इस वक्त मैं डेस्कटॉप नंबर 2 पे मौजूद हूँ। आपको डेस्कटॉप क्रिएट करना है तो इस बटन पे क्लिक कर लो, आपको एक नया डेस्कटॉप मिल रहा होगा। क्लोज करना है तो आप यहाँ से डेस्कटॉप को क्लोज कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे अपने ओरिजिनल वाले डेस्कटॉप पे वापस चले जाएंगे। और डेस्कटॉप के बीच में स्विच करना है तो आप फोर फिंगर्स इस तरह राइट की तरफ लेके जा सकते हो और फोर फिंगर्स इस तरह आप लेफ्ट की तरफ लेके जा सकते हो। तो इसके थ्रू आप डेस्कटॉप स्विचिंग कुछ इस तरह से कर सकते हो। बाकी कहीं पे भी आपको स्क्रोलिंग करना है तो टू फिंगर्स का आप यूज कर लो, और अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो पिंच यूज कर लो कुछ इस तरह से, पिंच के थ्रू जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। और मिनिमाइज करना है थ्री फिंगर्स इस तरह नीचे की तरफ और थ्री फिंगर्स ऊपर की तरफ, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए आप यूज कर सकते हो। थ्री फिंगर्स के टैब से आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बार आप इनेबल कर सकते हो, टू फिंगर्स से राइट क्लिक इनेबल कर सकते हो, फोर फिंगर्स से नोटिफिकेशन बार इनेबल कर सकते हो या नोटिफिकेशन एरिया लेके आ सकते हो, तो और फोर फिंगर्स इस तरह लेफ्ट की तरफ लेके जाना, राइट की तरफ लेके जाना, तो आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल डेस्कटॉप्स आ रहे होते हैं। तो आप अगर अलग अलग टाइप के टास्क करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो फोर फिंगर्स इस तरह आगे की तरफ लेके जाओ, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे आपके सारे डेस्कटॉप। जो भी डेस्कटॉप आपको यहाँ पे एक्टिव करना है सिर्फ उस पर आपने क्लिक करना है, नया डेस्कटॉप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से अपने जो भी पुराने डेस्कटॉप है वो क्लोज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको टच पैड समझ आ चुका होगा और इन फ्यूचर आप इसके थ्रू अपना जो काम है बहुत ही आसान बना सकते हो और बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही तेजी से और फास्ट तरीके से अपना काम कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर लो टच पैड। तो टच पैड जैसे ही सर्च करोगे तो उसके सेटिंग्स होते हैं, आप इस पर क्लिक कर लो, आपके सामने यहाँ पे विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना टच पैड जो है उसे सेटअप कर सकते हो। तो थ्री फिंगर्स का कंट्रोल क्या होना चाहिए, फोर फिंगर्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और आप अपना पूरा जो टच पैड है उसे यहाँ पे आराम से कंट्रोल कर सकते हो। फोर फिंगर्स, टू फिंगर्स, थ्री फिंगर्स, इवन ये सारे सेटिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं। टैप्स के थ्रू क्या होगा, वन टैप के थ्रू क्या होगा, और डबल फिंगर अगर आप यूज करते हो तो उसके थ्रू क्या होना चाहिए, थ्री फिंगर्स के थ्रू, फोर फिंगर्स के थ्रू, और यहाँ पे नीचे और भी सेटिंग्स दिए गए। तो एक दफा आप इन सेटिंग्स को जरूर चेकआउट कर लो। बाकी कर्सर का स्पीड आपको कंट्रोल करना है तो वो यहाँ पे भी दिया गया है, और ये चीजें हमने अपने पुराने लेक्चर्स में भी कवर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा और पसंद आ चुका होगा। जो भी आपका फेवरेट पार्ट होगा वो एक दफा जरूर कमेंट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।